अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शोएब अख्तर यूट्यूब चैनल। और आज बात करेंगे हमारी बुरी परफॉर्मेंसेस के बारे में और कहां पे हमने बुरी बॉलिंग की एज अ पाकिस्तान टीम और एज ए इंडिविजुअल। एक तो मैच याद आता है मुझे पेशावर का, जहां पे मैंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत बुरी बॉलिंग की थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए वो सेंचुरियन का मैच था अगेंस्ट भारत, जहाँ पे वर्ल्ड कप का मैच हम हार गए थे। 272 को हम ना रोक सके क्योंकि हमारे पास बॉलिंग बहुत अच्छी थी, बड़ी बॉलिंग थी। उस मैच की जो रात थी उस वक्त उससे पहले क्या हुआ था वो देखना होगा मुझे और बताना होगा आपको, क्योंकि मुझे उस रात में 4 से 5 इंजेक्शन लगाए गए घुटने में लेफ्ट साइड के ऊपर। और जब मेरा घुटना नम किया गया तो उस पर सुबह फिर पानी भर गया, तो फिर वो ड्रेनेज करके उसको पानी निकालते थे, उसको ड्रेन करके पानी निकालते थे उसको, और फिर ड्रेनेज लगाते थे अंदर ताकि वो रिसता रहे, पानी निकलता रहे, एस्पिरेट करते थे सिरिंजेस के साथ। जब मैं ग्राउंड पहुँचे सुबह तो शुक्र है टॉस हम जीत गए और हमने बैटिंग का फैसला कर लिया। जब हमने बैटिंग का फैसला किया तो हमने मुझे लगा, मैंने उस पर कहा भी कि हमने थोड़ा टोटल 30-40 रन हमने कम किए हैं, तो सारे बहुत भड़के मुझ पर कि 272 काफ़ी, तो फिर क्या काफ़ी है, तो मेरे ख्याल में इसी में आउट कर लेंगे आप। तो मैंने इनसे कहा आउट करने का मसला नहीं है, विकेट बहुत अच्छा है और अच्छा खेलेगा। बहरहाल हमने बॉलिंग शुरू की। वन थिंग आई नोटिस्ड अबाउट द लेफ्ट नी, जब मैं भाग रहा था अंदर तो मुझे लगा कि मेरी जो लेफ्ट फुट टांग है ये सारी नम हो गई है। अब जब टांग नम हो जाए तो फिर आपको ग्राउंड की फील नहीं पता चलती, ग्राउंड पे आप किस जगह भाग रहे हैं। एक जगह पे आपको दाया पाँव बता रहा है कि आप यहाँ पे हो और रनअप में आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, और स्पेशली जब लैंड कर रहे हो, क्योंकि तो सारा घुटना मेरा नम हुआ था इंजेक्शन की वजह से। तो जब मैं लैंड कर रहा था तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्रीज पे पाँव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इट्स जस्ट लाइक अ डेड लेग, वॉज लिम्पिंग अराउंड विद माई होल बॉडी। जब मैं वहाँ पर बॉलिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा कि बॉल कहाँ जा रहा है, टांग कहाँ जा रही है और मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, क्योंकि जो फ्रंट लेग होती है फास्ट बॉलर की, जो लेफ्ट फुट लैंडिंग फुट जिसे कहते हैं, ये स्टेयर करता है फास्ट बॉलर को, स्टेयर करता है और वो बताता है आपको कि आपने कहाँ कैसे करनी है। थोड़ी टांग अगर टेढ़ी हो तो आउट स्विंग होता है, थोड़ी टांग सीधी करें तो इंग स्विंग के लिए मदद आती है और बाउंसर सीधा जाता है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब हिंदुस्तान ने चार्ज करना शुरू किया हमें, तो सचिन बहुत अच्छा खेले मुझे और उन्होंने छक्का भी मारा पॉइंट के ऊपर, और मैं बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी मुझे कि मैं क्या करूं ऐसी बॉलिंग कि उनको आउट करूं। पर अनफॉर्चुनेटली मुझे कप्तान ने चेंज कर दिया, स्पेल में चेंज किया। मैंने उनसे कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, मेरा पाँव गिर नहीं रहा सही जगह और मुझे फील नहीं आ रही, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने यही मुफीद समझा कि मैं आ जाता हूँ, मैं बॉलिंग करने आ जाता हूँ। जब वो बॉलिंग करने आ गए तो मैं फिर बाद में लाया गया। देन आई फिर मैंने कोशिश की कि मैं टांग में फील लाऊं वापस, तो घुटना बिल्कुल नम था और नीचे टोज बिल्कुल नम थी। तो फिर मैंने एक ही चीज़ सोची कि एक ही काम कर सकता हूँ, तेज़ बॉलिंग करूं और जो चीज़ नज़र आ रही है वो सर नज़र आ रहा है सचिन तेंदुलकर का, वहाँ पे बॉल करूं। जब मैंने उनको वहाँ बॉलिंग शुरू की, पीछे करना शुरू की, बॉल तेज़ शुरू किया, तो उनको 99 पे मैंने 98 या 99 पे वो आउट हुए, बाउंसर पे आउट हो गए। तो मैंने फिर यही कहा अपने जो साथ मैदान पर खड़े थे कि यार मुझे यही बॉलिंग करनी चाहिए थी पहले ही, बट अनफॉर्चुनेटली दर्द की वजह से, तकलीफ की वजह से मैं वो बॉलिंग कर नहीं सका। और बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी कि हिंदुस्तान को हम हरा सकते थे 99 में भी और 2003 में भी, लेकिन हम नहीं हरा सके, और बड़ा एक बिटर एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए और रिग्रेटफुल रहा है। लेकिन हैट्स ऑफ टू हिंदुस्तान खेला बहुत अच्छा है, हिंदुस्तान दे आउट क्लास अस मैनी टाइम इन द वर्ल्ड कप और जर्नी इज कंटिन्यूइंग, बट आई रियली थिंक दैट यू नो के वी कुड हैव रन्स, कुड हैव स्कोर बिट मोर रन्स एंड कुड हैव बोल्ड बिट बेटर देन दैट, बट अनफॉर्चुनेटली फिटनेस केम इन अ वे एंड एट द सेम टाइम आई थिंक द पुअर कैप्टनसी एंड दैट वॉज द मेन रीजन दैट आई कुड नॉट परफॉर्म। दिस इज शोएब अख्तर यूट्यूब चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल, थैंक यू। Pindi Express has left the station, that's for sure.